फरुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। डीएम से शिकायत करने पहुंची पीड़िता से क्रूरता की है पुलिस ने। पीड़ित महिला को बाल पकड़कर घसीटा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है महिला, जिसके साथ पुलिस ने अमानवीयता की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाल पकड़कर खींचा जा रहा है एक पीड़िता को, जो डीएम से मुलाकात करने पहुंची थी। कोतवाली फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से इस पीड़िता के साथ व्यवहार कर रही हैं महिला पुलिसकर्मी, बाल पकड़कर खींच रही हैं। डीएम से शिकायत करने पहुंची थी पीड़िता। दिलीप हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिलीप, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितनी क्रूरता बरती है महिला पुलिसकर्मियों ने इस पीड़िता के साथ, जो डीएम से मुलाकात करने पहुंची थी। आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। दिलीप, बताना चाहूंगा कि फरुखाबाद में आजकल जो है अधिकारियों बेलगाम होते चले आ रहे हैं, जिनका चेहरा आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं। मामला ये है कि फरुखाबाद में एक महिला पहुंची थी डीएम ऑफिस में अपनी फरियाद को लेके, उसे जो है लैट्रिन शौचालय नहीं मिला था, इसकी शिकायत लेने पहुंची। इसको लेके डीएम ने उसे कहा इसकी तबियत सही नहीं, इसे लेके जाओ लोहिया हॉस्पिटल भर्ती कराई जाएगी। जी दिलीप, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर। क्या आपकी किसी आला अधिकारी से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कहना है उनका? जब आला अधिकारी से बात की गई तो वो इस मामले में बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ट्राई के लिए कर रहे हैं। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।